हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी का इंस्टाग्राम स्टोरी अपनी स्टोरी में कैसे लगाए। मतलब दोस्तों यह है कि जब आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो ऊपर में आपको काफ़ी स्टोरी देखने को मिलती है। अब दोस्तों आप किसी का भी एक स्टोरी ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको स्टोरी पसंद आ जाती है और आप उस स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाना चाहते हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे किसी दूसरे का स्टोरी अपने स्टोरी में कैसे लगाते हैं, तो फिर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी दूसरे का इंस्टाग्राम स्टोरी अपने स्टोरी में कैसे लगाना है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे समझ पाए, और आप भी अगर किसी का इंस्टाग्राम स्टोरी अपनी स्टोरी में लगाना चाहते हैं तो आसानी से लगा पाए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम स्टोरी में देख लीजिए कि आप जो है किसका स्टोरी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर जो है इस स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर आप यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते हैं तो सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे कि आप जो है इस स्टोरी को अपने स्टोरी में लगा पाए। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको जो है सेंड पर क्लिक करना है, सेंड वाले ऑप्शन पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जो है कॉपी लिंक पर क्लिक करना है और आपको इस स्टोरी का लिंक कॉपी कर लेना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस स्टोरी का लिंक कॉपी हो चुका है। अब आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम या फिर जो भी आपके पास ब्राउचर है उस ब्राउचर को ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर, और इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना, और सर्च करेंगे तो फर्स्ट में आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, स्टोरी सेवर नेट। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना, और यहाँ पर आपने जिस स्टोरी का लिंक कॉपी किया है वो लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर जो है ये लिंक पेस्ट कर देते हैं। लिंक पेस्ट करने के बाद नीचे में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप जो है डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए प्लीज़ चेक, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना, और यहाँ पर उस भाई का प्रोफाइल देखने को मिलेगा जिसका स्टोरी आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाना चाहते हैं, और नीचे में आपको वो स्टोरी मिल जाएगी जिसको आप जो है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐड करना चाहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस स्टोरी को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है। सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टोरी आ जाएगी। अब दोस्तों आप चाहे तो स्टोरी को प्ले करके भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, और फाइनली जो है डाउनलोड भी हो चुकी है। अब दोस्तों आप यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद अब आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है। तो इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपको योर स्टोरी पर क्लिक करना है। योर स्टोरी पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको वो स्टोरी ले लेनी है, तो हम यहाँ पर इस स्टोरी को ले लेते हैं। स्टोरी लेने के बाद आपको नीचे में एरो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको शेयर पर क्लिक करना है, और शेयर पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको डन करना है। और डन करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मेरे इंस्टाग्राम में स्टोरी लग चुकी है। इस तरीके से आप किसी दूसरे का इंस्टाग्राम स्टोरी अपनी स्टोरी में लगा सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर एक नई वीडियो के साथ, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।